नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन गैम्बोजिया के बारे में, जो कि यूजुअली आप लोगों के स्टमक के प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स होने पर ये दवाई जो है गैम्बोजिया ये इस्तेमाल की जा सकती है और आप लोगों को ये किस तरीके से लेनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं गैम्बोजिया के बारे में। अगर आप लोगों को स्टमक के अंदर इरिटेबिलिटी हो रही हो तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों का एब्डोमेन जो है वो ब्लॉटेड हो रहा हो, यानी कि डिस्टेंडेड हो रहा हो, गैस बन रही हो, फ्लेचुलेंस जो है बार बार हो रही हो, तब आप गैम्बोजिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को आपकी टंग जो है वो ड्राई रहती हो, ड्राइनेस आप लोगों की टंग और थ्रोट के अंदर भी हो, तब आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पेट में दर्द ना हो रहा हो पर टेंडरनेस हो, यानी कि हाथ लगाने से दर्द आप लोगों को अंदर महसूस होता हो, तब भी आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद ही पेट में दर्द हो जाता हो, ऐसी सिचुएशन में भी गैम्बोजिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसा कि अगर आप लोगों को पेप्टिक अल्सर्स हो गए हैं तब भी आप लोगों को ये शिकायत आ सकती है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता हो, या फिर अगर आप लोगों को गॉल स्टोन्स हैं, यानी कि आप लोगों के गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ स्टोन्स हो गए हैं, उनकी वजह से भी आप लोगों को खाना खाने के बाद पेन्स हो सकते हैं एब्डोमेन के अंदर। और अगर आप लोगों को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि अपेंडिक्स एक पार्ट है, अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, उसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है, तो ऐसा दर्द भी खाना खाने के बाद आप लोगों को फील हो सकता है। इससे अलावा अगर आप लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है तब भी खाना खाने के बाद आप लोगों के पेट में दर्द शुरू हो सकता है। साथ ही अगर आप लोगों को PID की शिकायत हो रही है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गया हो, तब भी आप लोगों को खाना खाने के बाद जो है पेट में दर्द महसूस हो सकता है। तो किसी एक सिम्टम के पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई दवा लेने जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उनके प्रिस्क्रिप्शन पर ही मेडिसिन का यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी सिम्टम के पीछे कोई बीमारी रीज़न हो और उसका आप लोगों को पूरा इलाज करवाना चाहिए। ये जो दवा है ये डायसेंट्री या डायरिया के टाइम पे इस्तेमाल की जाती है। स्पेशली अगर ओल्ड पीपल के अंदर डायरिया की शिकायत रहती हो तब इस दवा का इस्तेमाल करने से आपका डायरिया जो है ठीक हो जाएगा और उसकी वजह से बाकी जो आप लोगों को शिकायतें हो रही हैं उनमें भी आराम मिलेगा। कई बार आप लोगों के एनल रीजन, एनस के अंदर बर्निंग हो जाती है, जलन हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आने पर भी आप इस दवा गैम्बोजिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से बहुत बार आप लोगों के मुंह का स्वाद जो है बदल जाता है, आप लोगों को मुंह जो है बिटर टेस्ट फील करवाता है, कड़वा कड़वा सा महसूस होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में भी हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एसिडिटी हो रही हो तब आप ये दवा लेकर अपनी एसिडिटी में भी रिलीफ पा सकते हैं। इस दवा की जो सीवियरिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप इसकी कितनी डोसेज लें और इसकी जो पोटेंसी है वो क्या होनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं अलग अलग पोटेंसीज में आती हैं, तो आपकी सीवियरिटी, एज और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप लोग कौन सी पोटेंसी लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अगर आप गलत पोटेंसी डोसेज या गलत मेडिसिन ले लेते हैं तो आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं या एग्रावेशन जिन्हें हम बोलते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन का सेवन करें, या अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे भी कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना इलाज जो है शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप लोग अपडेटेड रहें। धन्यवाद।